सच साहस सरोकार। पकड़े गए चार बांग्लादेशी नागरिक, कानपुर से बड़ी खबर। बांग्लादेशी युवकों के पास से बरामद हुए दो दो पासपोर्ट। युवकों के पास से तीन अलग अलग नामों के फर्जी आधार कार्ड मिले। सपा विधायक इरफान सोलंकी की लेटर पैड पर मिला निवास प्रमाण पत्र। सपा पार्षद मन्नू रहमान का लेटर पैड भी शामिल। बांग्लादेशी युवकों के पास से विदेशी करेंसी भी बरामद। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कानपुर पुलिस ने अपनी कार्यवाही करते हुए बांग्लादेशी नेशनल रिजवान और उसके परिवार के अन्य चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पजेशन से हमें फॉरेन करेंसी, डबल मल्टीपल पासपोर्ट्स, परिवार के पास दो दो पासपोर्ट्स हैं इंडियन एंड बांग्लादेशी, कूटरचित आधार कार्ड, एक बांग्लादेशी नेशनल के पास भारतीय आधार कार्ड का होना और साथ में फोर्ज्ड एंड फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे उन्हें अपने आप को इंडियन नेशनल प्रूफ करने में मदद मिलती है। विधायक इरफान सोलंकी जी के द्वारा सर्टिफाई किया हुआ पेपर भी मिला है जिसमें उन्होंने इनको भारत का मूल नागरिक सर्टिफाई किया है, कानपुर का मूल नागरिक, और साथ में एक पार्षद का सर्टिफाइड पेपर भी मिला है। दारोगा का गाली देने का मामला उजागर, कानपुर से बड़ी खबर। फिर सुर्खियों में गालीबाज दारोगा लक्ष्मण यादव। लगातार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है दारोगा। कानपुर देहात में तैनात है गालीबाज दारोगा। कॉलेज गई छात्रा दो दिन से लापता, लखीमपुर खीरी से खबर आ रही है। परिजनों ने गोला कोतावली में दी नामजद तहरीर। गोला कोतवाली पुलिस पर लापरवाही का लग रहा आरोप। गोला कोतवाली परिसर में परिजन बैठे धरने पर। परिजनों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।